नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव सोमवार को लीबिया के तट पर पलट गई, जिसमें कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की जानकारी दी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के प्रवक्ता सफा मसेहली ने कहा कि यह जहाज रविवार को पश्चिमी तटीय शहर खम से रवाना हुआ था। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक सफा मसेहली ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 75 प्रवासी बोट पर सवार थे, जिसके डूबने से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उन्होंने यह भी कहा कि मछुआरों और लीबिया के तट रक्षकों ने 18 प्रवासियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया और तट पर वापस भेज दिया। जो लोग इस हादसे में बच गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग नाइजीरिया, घाना और गाम्बिया से हैं। प्रत्यक्ष दर्शकों का कहना है कि बोट इंजन की खराबी की वजह से रुक गया था, मौसम खराब हुआ, इसी दौरान बोट पलटने से यह हादसा हुआ है। यूरोप में बेहतर जीवन की तलाश करने वाले प्रवासियों की दुखद मौत इस हादसे में हो गई। भूमध्य सागर में खराब मौसम की वजह से हुए इस हादसे में निर्दोष लोग मारे गए। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद एक बार वहां फिर से तालिबान ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है, जो अमेरिकी सेना के लिए बेहद खास था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी सेना यहां से बिना कुछ बताए चुपचाप निकल गई और अपने पीछे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर छोड़ गई। बरगाम एयरबेस राजधानी काबुल से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। यह एयरफील्ड कंटीली तारों के पीछे एक तरह का छोटा मिलिट्री शहर है। इसे अब अफगान नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया है। 1950 में सोवियत संघ ने इस जगह को एक बेस के रूप में तैयार किया था और अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन के केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल किया। यहीं पर सारा प्लान बनता था और यहीं से प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता था। बगराम एयरबेस 2 दशकों तक आतंक के खिलाफ एक बड़े, लंबे और खूनी युद्ध की गवाह रही है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन अफगानिस्तान के केंद्र में यही जगह थी। अमेरिका ने 2 दशकों में यहां 2 लाख करोड़ डॉलर खर्च किए और यहीं से अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगाई, उस जगह को अमेरिकी सेना रातों रात छोड़कर निकल गई और इस बारे में अफगान सेना को कुछ बताया भी नहीं। अमेरिकी सेना के यूं अचानक छोड़कर जाने पर जब इस एयरबेस पर तैनात जवानों से पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि अमेरिका कहता था कि हम बिना बताए आते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। जवानों ने बताया कि अमेरिकी सेना के यहाँ से जाने के 2-3 घंटे बाद उन्हें इसकी खबर लगी थी। अमेरिकी सेना के जाने से अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान इन हालात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। जून का महीना अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच युद्ध को देखते हुए सबसे भयानक समय रहा है। इस महीने अफगानी सेनाओं ने 6,000 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगान सेना के 600 सैनिक शहीद हुए हैं। अब आगे हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान गुरिल्ला रणनीति के तहत अचानक हमले की फिराक में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और कोरोना महामारी के खिलाफ प्रयास को मजबूत करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा उनके एजेंडे में शामिल है। इस बीच भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर ब्लिंकन मानवाधिकार और लोकतंत्र का मसला उठाते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि ब्लिंकन इस मसले को उठा सकते हैं। ब्लिंकन के कुवैत और भारत के दौरे को लेकर पत्रकार ट्रेसी ब्लिंकिंसन के सवाल पर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव डीन थॉम्पसन ने कहा है कि हम लोकतंत्र और मानवाधिकार के मसलों को उठाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि इन मोर्चों पर हमारे मूल्य अन्य किसी भी मोर्चे की तुलना में ज्यादा समान है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने मानवाधिकार से जुड़े सवालों को तरजीह नहीं दी, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि अगर अमेरिका इस मसले को उठाता है तो उसे जवाब मिलेगा। द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से कूटनीतिक रूप से बात करते हुए बताया, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दे सार्वभौमिक हैं और एक विशेष राष्ट्रीय या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से परे हैं। भारत को दोनों क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और अनुभव साझा करने में हमेशा खुशी होती है।
दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ा दिया है। पुलिस को आशंका है कि कृषि कानूनों के चलते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे विभिन्न किसान संगठन अमेरिका से आने वाले विदेशी डेलीगेशन का घेराव कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन का भारत का दौरा शुरू होने वाला है। ब्लिंकिन 27-28 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे। उस दौरान किसान संगठन कोई अनहोनी ना कर दें, इस वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पुलिस ने अभी से ही आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट पर पहले जितनी सुरक्षा होती थी अब उसमें इजाफा किया गया है। पुलिस ने अलग से 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और काफी पुलिसकर्मी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में भी लगाए गए हैं। मालूम हो कि पिछले साल भारत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा हुआ था। उसी दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में विभिन्न जगहों पर हिंसक दंगे हुए थे। इन दंगों में कई लोगों की जान चली गई थी। पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती। पुलिस की यह सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से ही लागू हो गई है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। इस रैली के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब इससे भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। विजय माल्या भारत के कई बैंकों से हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर कुछ सालों पहले ब्रिटेन फरार हो गया था। तब से भारत सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे ब्रिटेन से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ब्रिटेन की कोर्ट से कई बार माल्या को झटका लग चुका है। केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर विजय माल्या से जुड़ी हुई संपत्तियां जब्त करती रही हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसके अलावा हाल ही में ईडी ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त की और इसकी नीलामी की थी, जिससे SBI के नेतृत्व वाले विभिन्न बैंकों को 5800 करोड़ रुपए से अधिक मिले थे। बता दें कि ब्रिटेन भाग गए माल्या की भारत में अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी कथित 9000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के संबंध में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जांच की जा रही है। वहीं खुद को बचाने के लिए कई बार विजय माल्या सेटलमेंट पैकेज का दांव पहल चल चुके हैं। पिछले साल माल्या ने दावा किया था कि वह बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। उसका कुल कर्ज 9,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन चूंकि मूल राशि पर ब्याज भी लगाया गया था तो यह राशि बढ़कर काफी अधिक हो गई थी। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या के इसी तरह के ऑफर को ठुकरा भी दिया था। अफगान सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई ने अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए इस हफ्ते होने वाली भारत की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। अफगान दूतावास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यात्रा कई महीने पहले ही निर्धारित थी। हालांकि अहमद जई की यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की नई दिल्ली की यात्रा के बीच होने वाली थी। जनरल अहमद जई को पिछले महीने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के ऊंचे स्तर पर नियुक्त किया गया था। इन्हें 27 से 30 जुलाई के दौरान भारत की यात्रा पर होना था। अफगान दूतावास ने अधिक जानकारी दिए बिना बताया है कि अफगानिस्तान में युद्ध की तीव्रता और तालिबान के बढ़ते हमले और आक्रमण के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। अहमद जई को अपने भारतीय समकक्ष जनरल MM नरवणे के साथ बातचीत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित था। इसके अलावा वह विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षित अफगान कैडेटों से मिलने के लिए पुणे भी जाने वाले थे। तो आपको बता दें, हमें अफगान सेना प्रमुख की भारत यात्रा को टाल दिया गया है। पीछे तर्क दिया गया है कि अफगान और तालिबान के बीच जिस तरह से लगातार झड़प जो है वो बढ़ती जा रही है, इसके चलते फिलहाल इस यात्रा को टाला गया है। उन्होंने बताया कि तालिबान के साथ जो संघर्ष जारी है, इसके कारण ये फैसला लिया गया है। तालिबानी हमलों के कारण इस पूरी फैसले को लिया गया, जहां उनकी यात्रा को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय समकक्ष अधिकारी के साथ इनकी बातचीत होनी थी,
व सुरक्षा मुद्दों को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन तालिबान के हमलों के बीच अब इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अमेरिका के यूटा में रेतीले तूफान के कारण 20 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई। इस घटना में कम 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि रेतीले तूफान की वजह से लोगों को देखने में कठिनाई हुई और फिर कारों की टक्कर होना शुरू हो गया। उटाह हाईवे पेट्रोल ने एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि कनोश के निकट इंटरस्टेट 15 पर यह हादसा हुआ जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उटाह हाईवे पेट्रोल ने बताया कि रेतीले तूफान के कारण दृश्यता स्तर कम होने जाने की वजह से वाहन आपस में टकरा गए थे। इंटरस्टेट 15 रविवार देर रात आंशिक रूप से बंद रहा। दुर्घटना स्थल के आसपास यातायात को परिवर्तित किया गया। कनोश सॉल्ट लेक सिटी के दक्षिण में करीब 160 मील दूर स्थित है। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। यूटा लोक सेवा विभाग ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि रविवार की दुर्घटनाओं में 20 वाहन शामिल थे। तेज हवाओं के कारण रेत या धूल भरी आंधी आई और सड़क पर दृश्यता कम हो गई, जो हादसे की वजह बना। यूटा हाईवे पेट्रोल ने सहायता के लिए रिचफील्ड और बीवर से सैनिकों को बुलाया है। कई ग्राउंड और एयर एम्बुलेंस ने भी हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद की है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरों में कई ट्रैक्टर ट्रेलर और कई क्षतिग्रस्त वाहन सड़क पर बिखरे हुए हैं, जिसमें मलबा कई गज तक बिखरा हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूटा तूफान का कहर, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि यूटा तूफान रेतीला तूफान है, जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ, लोगों को दिखना कम हो गया, दृश्यता के चलते जो कमी आई उसके बीच 20 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसके कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन 7 लोगों की मौत हुई है इसकी पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें घटनास्थल पर जो रोड है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। यूटा तूफान 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई क्योंकि दृश्यता जीरो हो चुकी थी, दृश्यता नहीं हो रही थी, लोग आगे देख नहीं पा रहे थे, जिसके चलते 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 7 लोगों की मौत हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर पाकिस्तान से भी बधाई भेजी गई है। पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पत्र लिखकर सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। पाकिस्तान SGPC के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान का सिख समुदाय भी सिद्धू को मिली बड़ी जिम्मेदारी से बहुत खुश है। सोमवार को लिखे गए पत्र में कहा गया कि सिद्धू की कामयाबी के लिए ननकाना साहिब, पंजा साहिब और दरबार साहिब करतारपुर में विशेष अरदास का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की कामयाबी की कामना की गई। पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कहा है कि दुनिया भर के सिख समुदाय को सिद्धू से बहुत उम्मीद है कि वो दोबारा करतारपुर गलियारे को खोलने में अपना सहयोग देंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले साल मार्च में करतारपुर गलियारे को कोरोना की पहली लहर के चलते बंद कर दिया गया था। गलियारों को दोबारा खोलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने अपनी सीमा में गुरुद्वारे को दोबारा खोल दिया था। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर 9 नवंबर 2019 के दिन करतारपुर गलियारे को खोला गया था। नवजोत सिंह सिद्धू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गलियारे को खोलने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के योगदान को कोई नहीं नकार सकता। साथ ही उन्होंने इस गलियारे के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया था। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान सरकार के विशेष अतिथि थे, जिसको लेकर बाद में नवजोत सिंह सिद्धू की भारत में आलोचना भी हुई थी। वहीं तालिबान के हाथों एक महीने पहले उत्तरी बाघ प्रांत का कलदार जिला गंवाने वाले अफगानिस्तान को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। अफगान बलों ने एक कड़े संघर्ष के बाद कलदार पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि सीमावर्ती शहर हैरातन अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक प्रमुख कारोबारी रास्ता और बंदरगाह बंद है। यह कलदार जिले में है। यह जिला अमू नदी के किनारे है और उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
टोलो न्यूज़ के मुताबिक बाग गवर्नर के प्रवक्ता आदिल शाह आदिल ने कहा है, हमारे बलों ने अच्छी प्रगति की है, हम आम नागरिकों के बचाने के प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट में ANDSF के प्रवक्ता जनरल अजमल उमर शेनवारी ने कहा है कि 25 प्रांतों में झड़प हुई जिनमें अफगान बलों ने प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बीते हफ्ते में अफगान बलों की कार्रवाई में तालिबान के 1500 लड़ाके मारे गए हैं और 800 घायल हुए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फरियाब के मैमाना शहर में शनिवार रात को तालिबान की तरफ से मोर्टार और रॉकेट दागे गए। सूत्र बताते हैं कि इन हमलों में 3 आम नागरिकों समेत 16 लोगों की मौत हो गई थी। मैमाना के रहने वाले अहमद जमशेद ने बताया, हालात बहुत कठिन हैं, हम कई बार मोर्टार और रॉकेट समेत गोलियां चलने की आवाज़ें सुनते हैं। तखार के कुछ लोगों का कहना है कि प्रांत की स्थिति चिंताजनक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तालिबान और अफगान के बीच जो हिंसा है, जो जंग है, ये उसकी तस्वीरें हैं, जिसके बीच अफगान बलों को एक बड़ी सफलता हासिल लगी है। जो जगह उनसे तालिबान ने छीन ली थी उसको वापस पाने में उनको सफलता मिली है। भारत के बाद कोरोना वायरस ने अपना फोकस इंडोनेशिया पर कर दिया है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस सैकड़ों बच्चों की मौत का कारण बना है, उनमें से ज्यादातर 5 साल से नीचे के हैं। इससे पता चलता है कि अब बच्चे भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित नहीं है, जबकि इससे पहले माना जा रहा था कि बच्चों को कोरोना का ज्यादा जोखिम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि किसी भी देश के मुकाबले इंडोनेशिया में COVID-19 के कारण बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा है। इंडोनेशिया के पेडियाट्रिक सोसाइटी प्रमुख डॉक्टर अमन भक्ति पुलंगन के हवाले से कहा गया, सिर्फ 12 जुलाई के सप्ताह में 150 से अधिक बच्चे COVID-19 से जान गंवा चुके हैं। हाल में होने वाली मौतों में आधी संख्या 5 साल से कम उम्र की है। बाल चिकित्सकों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि देश के संक्रमित मामलों में 12.5% बच्चों की संख्या है, जो पूर्व के महीनों की तुलना में बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा, हमारी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम क्यों नहीं अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ दे पा रहे हैं। भारत में पहली बार उजागर हुए डेल्टा वेरिएंट ने कई अन्य देशों के लिए अपना रास्ता बना लिया है। इंडोनेशिया में मृत्यु दर में वृद्धि दक्षिण पूर्व एशिया में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार से भी मेल खाती है, जहां टीकाकरण की दर खराब है, जिसके नतीजे में प्रकोप का रिकॉर्ड न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार और वियतनाम में भी नजर आता है। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसक झगड़े की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताया और कहा कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा जताई है। बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर के लायालापुर में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है, वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके चलते खराब हालत भुगत रहा है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस घटना को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। असम ने आरोप लगाया है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की, जबकि मिजोरम ने असम पुलिस के जवानों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक अधिकारी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। वहीं मिजोरम के CM जोरम थांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के आरोप लगाए, जबकि असम की पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम में बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने पथराव किया और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी दी है कि रूस की नौसेना शत्रुओं के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान क्रीमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहे तनाव के बीच आया है। दरअसल वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से जबरन अलग कर दिया था,
लेकिन अभी भी ज्यादातर दुनिया क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है। अमेरिका और ब्रिटेन के तनाव के बीच ही रूस ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नौसेना दिवस पर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक विशाल परेड समारोह में कहा कि हम पानी के अंदर, पानी के ऊपर और हवा में उड़ रहे दुश्मनों की पहचान करने और उनको करारा जवाब देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम हमला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने रूस के नए हथियारों को उपराज्य करार दिया। बता दें कि हाल में क्रीमिया प्रायद्वीप के पास ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने पर रूस ने अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस दौरान रूस ने ब्रिटिश युद्धपोत के पास बम बरसाए थे। राष्ट्रपति ने इस घटना के बाद पिछले महीने कहा था कि रूस ब्रिटिश युद्धपोत को डुबो सकता था जो अवैध रूप से उसके क्षेत्रीय जल सीमा में घुस रहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका इस तनाव को भड़का रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी नौसेना के पास आज वह हर चीज है जिसकी उसे अपने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरत है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने रूस के बम गिराने के दावे का खंडन किया था। इसके पूर्व राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि रूस ने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल अपनी जगह बनाई है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जिसका अभी तक दुनिया में तोड़ नहीं है। बता दें कि कई देश अब इस मिसाइल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रूस के पास अभी परमाणु हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। तो वहीं अमेरिका के साथ आमने सामने की वार्ता में चीन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध को दूर करने के लिए सोमवार को जो बाइडेन प्रशासन से अपेक्षित कदमों की एक सूची थमाई। उत्तर पूर्वी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में उप विदेश मंत्री शीन फिंग और दौरे पर आई अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन के बीच वार्ता तल्ख टिप्पणियों के साथ शुरू हुई। सीए फिंग ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह दमनकारी नीति अपना रहा है। अमेरिका में 6 महीने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद से चीन का दौरा करने वाली शर्मन शीर्ष अधिकारी हैं। शर्मन ने अमेरिका एवं चीन के संबंधों के प्रभारी शिए और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ तियानजिन शहर के रिजॉर्ट में बंद कमरे में अलग अलग बैठकें की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बीजिंग में बताया कि इस सूची में चीनी अधिकारियों और उनके परिवारों पर लगी पाबंदी को खत्म करने, हुआवे की अधिकारी मेंग बांझो को प्रत्यर्पित करने के लिए कनाडा से न्यायिक अनुरोध वापस लेने की मांग भी शामिल थी। मेंग को पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी बैंक धोखाधड़ी वारंट पर 2018 में कनाडा के वैंकूवर में गिरफ्तार किया गया था। चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्यों और उनके परिवारों पर लगाई गई वीजा पाबंदी को हटाने का अनुरोध किया। चीनी छात्रों और कंपनियों तथा कन्फ्यूशियस संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का भी आग्रह किया गया। शर्मन मंगोलिया से रविवार शाम को चीन पहुंची। यह बैठक तियानजिन में हुई क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण विदेशी विशिष्ट गणों के साथ बीजिंग में कोई बैठक नहीं हो रही है। आगमन के बाद शर्मन ने चीन के हैनान प्रांत में पिछले सप्ताह बाढ़ और तूफान में जान गंवाने वाले लगभग 70 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मंगलवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात के 8 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया जब दूसरा T20 खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी निगाह सीरीज पर कब्जा करने की होगी। फिलहाल 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। पहला T20 जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 38 रन से हराया था। दूसरे T20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। वहीं पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। इस लिहाज से इन दोनों खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि उम्मीद है कि यह दोनों कम से कम आज के मुकाबले में खेलेंगे। अंतिम मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को आराम मिल सकता है। वहीं दूसरे T20 में मनीष पांडे की जगह देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी जा सकती है। टीम के लिए हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी फॉर्म भी चिंता का सबब है। श्रीलंका के खिलाफ वह अब तक प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है मगर पीठ की सर्जरी के
पहले की तरह वह इस सीरीज में गेंदबाजी करने में नाकाम रहे हैं। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों टीम में कलाई के स्पिनर के साथ स्थान के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।